इंसान चाहे अपने पार्टनर के साथ में कितना भी खुश क्यों ना हो उस मैरिज में, फिर भी वो कभी भी अपने पास्ट को 100% नहीं छोड़ता। ये लगभग लगभग 90% होता है कि अगर किसी इंसान का अफेयर है बिफोर मैरिज और उसके बाद वो इंसान शादी कर ले, शादी में कितना भी खुश क्यों ना हो उस अफेयर को नहीं छोड़ पाता। बट दो तरीके हैं याद रखने के। एक तो ये कि एक इंसान वो होता है जो शादी के बाद भी अपने एक्स के साथ में अफेयर रखता है, जो कि सही बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में। और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने एक्स को बिल्कुल भुला चुके हैं, याद नहीं करते, अपने पार्टनर के साथ में हैप्पी हैं और आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग भी अपने एक्स को पूरी तरह छोड़ते नहीं हैं। ऐसा होता है कि वो अक्सर अपने एक्स से बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। बट ये जो कांटेक्ट होता है ये अलग तरीके का होता है। ये जो रिश्ता होता है ना वो बस एज अ फ्रेंड रह जाता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम उन लोगों ने साथ में बिताया था, बहुत सारे इमोशंस शेयर किए थे, बहुत सालों तक एक रिश्ता शेयर किया था उन लोगों ने, तो उन दोनों के बीच जो इमोशनली बॉन्ड होता है ना वो एकदम ही ख़त्म नहीं होता। जो रिश्ता होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, वो रिश्ता शादी के बाद भी रहता है, उसमें वो वाला प्यार नहीं होता। एक इंसान अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट होता है, लेकिन उसके साथ में भी चाहे वो प्यार ना हो उसके बावजूद एक लगाव ज़रूर होता है। कभी कभी महीने में, साल में, दो साल में एक बार उसको कॉल करना, उसके हालचाल जान लेना, वो इंसान कैसा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी सा हो जाता है। और ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, चाहे वो लोग एक साल में एक बार बात करें, चाहे 15-20 मिनट के लिए बात करें, लेकिन अक्सर वो थोड़ा बहुत टच में रहते ही हैं, ये रियलिटी है। अब अपने एक्स को जिसको आप भूल चुके हैं पूरी तरीके से, मिस नहीं करते, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ चुके हैं, शादी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसके बावजूद अपने एक्स से एज अ फ्रेंड ही सही बात कर लेना, कांटेक्ट में रहना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम हेल्प करेगी आपकी मुझसे कॉल बुक करने में जो कि पेड होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।